Hey guys, what's up? This is a series of small videos where we'll be talking about different topics, and we are starting with the basic macro concepts and circular flow. In this video, we'll be talking about the basic macro concepts. This is presented by me, Ashish Sachdev. You can read more about me from this slide, and I always say that learning is priceless and sharing is caring. So it is my humble request ki aap is video ko zyada se zyada share kare. Niche subscribe button ko dabayein aur usse subscribe kare channel ko. बेल आइकन को प्रेस करें ताकि जब भी नया वीडियो आए तो आपको अपडेट मिल जाए. ओके, सो लेट अस बिगिन. जब भी हम इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं तो उसकी दो ब्रांचेस के बारे में पढ़ते हैं, माइक्रो एंड मैक्रो. ये दो ब्रांचेस हमने हमेशा पढ़ी हैं. माइक्रो की जब हम बात करते हैं तो ये इंडिविजुअल्स की स्टडी है, इंडिविजुअल्स की स्टडी है. और मैक्रो की जब हम बात करते हैं तो ये टोटल्स या एग्रीगेट्स की यहाँ पर बात होती है. हमें यहाँ पे मैक्रो इकोनॉमिक से जुड़े हुए कुछ कॉन्सेप्ट्स को समझना है. तो बच्चों को कन्फ्यूजन रहता है कि माइक्रो और मैक्रो क्या होता है. ठीक है, तो ये कन्फ्यूजन भी मैं आपका अभी यहीं पे दूर कर दूंगा एक छोटे से एग्जाम्पल की मदद से. लेट अस सपोज ये हमारी पूरी इंडियन इकोनॉमी है, ये हमारा पूरा इंडिया है, ये पूरी इंडियन इकोनॉमी है जिसके अंदर डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रीज हैं. ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रीज मैं बना रहा हूँ, और हर इंडस्ट्री के अंदर भी कुछ डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंपनीज हैं जो हर इंडस्ट्री के अंदर काम करती हैं. तो क्या आप देख पा रहे हैं, मैंने कुछ इंडस्ट्रीज बनाई और उनके अंदर कुछ कंपनीज मैंने बना दी, और पूरी इंडियन इकोनॉमी की मैं बात कर रहा हूँ. राइट, अगर मैं देखूँ कि ये मान लीजिए ये रबर इंडस्ट्री है, दिस इज अ रबर इंडस्ट्री, और ये ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है, तो अगर हम इस रबर इंडस्ट्री की पढ़ाई करेंगे इन रिलेशन टू द इंटायर इंडियन इकोनॉमी, और अगर हम इस ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की पढ़ाई करेंगे इन रिलेशन टू दिस इंटायर इंडियन इकोनॉमी, तो इस रबर इंडस्ट्री की पढ़ाई माइक्रो कहलाएगी. माइक्रो स्टडी ऑफ इंडिविजुअल. इस ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की पढ़ाई माइक्रो कहलाएगी, स्टडी ऑफ इंडिविजुअल. और पूरी इंडियन इकोनॉमी की जो पढ़ाई है वो मैक्रो कहलाएगी, स्टडी ऑफ एग्रीगेट्स या टोटल. ठीक है, इकोनॉमी एज अ होल की पढ़ाई मैक्रो. ठीक है, अब हम पर्सपेक्टिव को बदलते हैं. मान लीजिए अगर ये ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है और इसमें से हम केवल बात करें मारुति की, तो ये एक मैन्युफैक्चरर है जो कि इस ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री का पार्ट है. अगर मैं मारुति की स्टडी करता हूं इन रिलेशन टू द इंटायर ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, तो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री तो एग्रीगेट हो जाएगी, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री तो तब मैक्रो हो जाएगी मैक्रो, और मारुति की पढ़ाई जो है वो माइक्रो हो जाएगी. सो द क्लासिफिकेशन ऑफ इकोनॉमिक स्टडी ऑन द बेसिस ऑफ माइक्रो एंड मैक्रो, इट डिपेंड्स ऑन द पर्सपेक्टिव विद विच वी आर स्टडिंग इट. ये उस चीज पे निर्भर करता है कि हम किस तरीके से उस इकोनॉमी, उस पार्ट ऑफ इकोनॉमी को पढ़ रहे हैं. एग्रीगेट की तरह पढ़ रहे हैं, इंडिविजुअल की तरह पढ़ रहे हैं, विद रिलेशन टू व्हाट, विद इन रिलेशन टू, इन रिस्पेक्ट टू व्हाट वी आर स्टडिंग इट. ओके, समझ में आ गई मेरी बात. राइट, तो यहां पर हम देखेंगे कि व्हाट इज द बेसिक मीनिंग ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स. राइट, नाउ इट इज द ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स विच डील्स विद द स्टडी ऑफ एग्रीगेट्स. इट स्टडीज इकोनॉमिक एक्टिविटीज, issues and problems. Economic activities includes what? Issues and problems at the level of economy as a whole. And इसका importance क्या है जब हम macro economics पढ़ते हैं? It is suitable, क्योंकि पूरी economy की study है, so it is suitable for the study of economy as a whole. ठीक है, इकोनॉमी एज अ होल के लिए इंपॉर्टेंट है, एंड हेल्पफुल इन द स्टडी ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स. जो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स हैं उन्हें समझने में हमें ये हेल्पफुल होती है, एंड पॉलिसी फॉर्मुलेशंस. जब हमें पूरी इकोनॉमी के बारे में समझ होगी तभी हमारी सरकार जो है उसके बेसिस पे पॉलिसीज बना पाएगी. जो प्लानिंग अथॉरिटी है, जो नीति आयोग है, वो उसके बेसिस पे पॉलिसीज बना पाएगा. राइट, नाउ व्हाट आर द एरियाज ऑफ स्टडी व्हेन यू स्टडी मैक्रो इकोनॉमिक्स. तो जब भी आप मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे, कहीं से भी पढ़ें आप, राइट, तो उसमें कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने होते हैं. सो बेसिकली दीज आर द टॉपिक्स, और ये एरियाज ऑफ स्टडी होते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स के. थ्योरी ऑफ नेशनल इनकम, पूरी इकोनॉमी एज अ होल की बात. थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, पूरी इकोनॉमी एज अ होल की बात. थ्योरी ऑफ मनी, थ्योरी ऑफ जनरल प्राइस लेवल. थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड. सो दीज आर द फॉलोइंग एरियाज ऑफ स्टडी दैट वी हैव टू कवर अंडर मैक्रो इकोनॉमिक्स.
Now this is a small chart that tells us about the generation of income in an economy. How generation of income in an economy takes place. जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इन वीडियो सीरीज में हम बात करेंगे बेसिक मैक्रो इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट्स के बारे में और सर्कुलर फ्लो के बारे में, तो उसका बेस भी हम बनाना यहां से शुरू कर रहे हैं, राइट? तो जनरेशन ऑफ इनकम का ये चार्ट दिया हुआ है, इसमें हमने बताया कि हमारी इकोनॉमी में कुछ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं. क्या होते हैं? कुछ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जिनकी मदद से इकोनॉमी के अंदर प्रोडक्शन किया जा सकता है, उन्हें कहते हैं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन. और इन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को हम दो पार्ट्स के अंदर बांटते हैं, या तो इन्हें हम इनपुट्स भी कह सकते हैं, इनपुट्स और फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, और इन्हें दो भागों में हम पढ़ते हैं, दो पार्ट्स में क्लासिफाई करके हम इसको पढ़ते हैं. पहला है प्राइमरी फैक्टर्स दैट आर आल्सो नोन एज फैक्टर इनपुट्स, एंड द अदर्स आर कॉल्ड एज नॉन फैक्टर इनपुट्स या फिर सेकेंडरी फैक्टर्स. जो हमारे प्राइमरी फैक्टर्स हैं उसमें आते हैं लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर. क्या क्या? लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर. और हमारे सेकेंडरी फैक्टर्स में आते हैं रॉ मटेरियल, फ्यूल एंड पावर. रॉ मटेरियल, फ्यूल एंड पावर. जब ये दोनों फैक्टर्स मिलते हैं तो हमारे पास इकोनॉमी में जनरेट होता है आउटपुट. अभी तक की स्टोरी आपको समझ में आई हमारी इकोनॉमी में जनरेशन ऑफ इनकम कैसे होता है? तो सबसे पहले कुछ इनपुट्स होते हैं जिनको हम दो तरीके से पढ़ाई करते हैं, जिनको दो तरीके से क्लासिफाई करते हैं. नंबर वन प्राइमरी फैक्टर्स, नंबर टू सेकेंडरी फैक्टर्स. प्राइमरी बोले तो लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर. सेकेंडरी बोले तो रॉ मटेरियल, फ्यूल एंड पावर. जब इन्हें मिलाया तो हमारे पास आया आउटपुट, यानी गुड्स एंड सर्विसेज. यानी क्या? गुड्स एंड सर्विसेज. और जब इन गुड्स एंड सर्विसेज को जाकर के बाजार में बेचा गया तो हमारे पास आया क्या? वैल्यू ऑफ आउटपुट. क्या आया हमारे पास? सर, वैल्यू ऑफ आउटपुट. ओके, और इस वैल्यू ऑफ आउटपुट से हमारे पास जनरेट होती है क्या? इनकम. क्या जनरेट होती है? इनकम. और ये इनकम फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में बांटी जाती है, प्राइमरी फैक्टर्स में बांटी जाती है, इसीलिए इसको कहते हैं क्या? फैक्टर इनकम. क्या कहेंगे? फैक्टर इनकम. ओके, इसको कहेंगे फैक्टर इनकम. क्या कहेंगे? फैक्टर इनकम, जिन्हें हम बांटेंगे किसमें? लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर के अंदर. लैंड को मिलेगा क्या? रेंट. लेबर को मिलेगा क्या? वेजेस एंड सैलरीज. कैपिटल को कमाएगी क्या? इंटरेस्ट. और एंटरप्रेन्योर लेके जाएगा क्या? प्रॉफिट. आर यू गेटिंग इट? तो ये सिंपल कंसेप्ट था जो कि हमने आज पढ़ा. मैक्रो इकोनॉमिक्स को समझा, माइक्रो इकोनॉमिक्स को समझा, किस तरीके से माइक्रो और मैक्रो अलग अलग हो सकते हैं उसे समझा, इम्पॉर्टेंस समझी मैक्रो इकोनॉमिक्स की स्टडी की, और उसके बाद हमने एरियाज ऑफ स्टडी देखे, और जनरेशन ऑफ इनकम का चार्ट से हमने समझा कि हाउ इनकम इज जनरेटेड इन आर इकोनॉमी. देर आर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, व्हेन दे गेट टुगेदर दे फॉर्म द आउटपुट, व्हेन दिस आउटपुट इज यू नो इट इज सोल्ड इन द मार्केट गुड्स एंड सर्विसेज, देन वी गेट व्हाट? वैल्यू ऑफ आउटपुट, एंड इट जनरेट्स इनकम, एंड दिस इनकम is divided, is given to the factor inputs or the primary factors in the form of rent, wages, interest and profit. Rent goes to land, wages and salaries they are given to laborers, and interest is earned by capital and the profit is taken home by the entrepreneur. तो ये basic discussion था. ओके, फैक्टर इनकम और फैक्टर पेमेंट. जिसको मिल रहा है उसके लिए इनकम, जो उसे पे कर रहा है उसके लिए पेमेंट. व्हेन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन रेंडर देयर सर्विसेज टुवर्ड्स द फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, जब वो अपनी सर्विसेज देते हैं, द इनकम अर्नड बाय द फैक्टर्स, जिसको मिल रही है उसके लिए इनकम, इन द फॉर्म ऑफ रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट. ओके, सच इनकम इज फैक्टर इनकम और फैक्टर पेमेंट. जो पे कर रहा है उसके लिए वो पेमेंट है, जिसे मिल रहा है वो उसके लिए इनकम है, राइट? लैंड गेट्स व्हाट? रेंट. लेबर गेट्स व्हाट? वेजेस. कैपिटल गेट्स व्हाट? इंटरेस्ट. एंटरप्रेन्योर गेट्स व्हाट? प्रॉफिट. ओके, दीज आर बायलैटरल. बायलैटरल क्यों? क्योंकि फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन ने क्या दिया? अपनी सर्विसेज दी, और जब उन्होंने अपनी सर्विसेज दी तो उनको क्या मिला? फैक्टर पेमेंट्स. क्या मिला उनको? फैक्टर पेमेंट्स. सो इट इज अ टू वे प्रोसेस, give and take, and hence they are called as bilateral. These are called as what? Bilateral. Okay, so this was a small, so this was all that we have to discuss in this video. Please don't hate, appreciate, and you can ask your doubts in the comments box below.
शेयर इफ यू केयर, इफ यू वॉन्ट मी टू मेक मोर सच ऑसम वीडियोज, प्लीज शेयर दिस वर्ड ऑफ नॉलेज बिकॉज इट रियली मोटिवेट्स मी टू क्रिएट मोर कंटेंट फॉर यू गाइज. ओके, सो सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो. थैंक यू, हैव एन ऑसम डे.